हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटो वगैरह को। ठीक है, तो हमने आपसे डिस्कस की थी पिछले वीडियो में थोड़ी सी सिलेबस। ठीक है, सिलेबस हमने आपसे डिस्कस की थी। बाकी जब अपन एक मोमेंटम बना लेंगे, जब हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा सिलेबस का, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। मैं पहले चाहता हूँ कि पहले एक बार आप बस ये जान जाओ कि सर पॉलिटिकल साइंस क्या होते हैं, क्या पढ़ना है। थोड़ा बहुत आपको मजा आने लगे तो फिर अपन चीजें को आगे बढ़ाएंगे। अपन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपसे सारी बातें डिस्कस की। ठीक है, हमने आपको बहुत सा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बताया, पॉलिटिकल साइंस बताया, स्टेट का कॉन्सेप्ट बताया, सिटी स्टेट बताया, और हमने बैकग्राउंड प्रिपेयर कर लिया था एंशियंट ग्रीस का। ठीक है, अब चलते हैं जो अपने सिलेबस में चीजें जो दी गई हैं। वैसे हमारी एक कोशिश होगी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बट द प्रॉब्लम विथ यूट्यूब ना कि कंप्लीट नहीं है चीजें। ठीक है, कंप्लीट बिल्कुल नहीं है, तो अपन कोशिश करेंगे चीजों को कंप्लीट करने का, रैदर देन कुछ भी कूड़ा देने से। हम कोशिश करेंगे वो मटेरियल आपको दिया जाए, वो कंटेंट दिया जाए जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेगा। नोट्स की बात अगर करोगे तो देखो, एज सच तो पार्ट ए का नोट्स एक ही है। अगर तुम सुब्रा मैम के नोट्स पढ़ लेते हो, वो मोर देन इनफ है। मतलब आई पर्सनली फील कि मोर देन इनफ है। दूसरा, फिर उसके अलावा किसी चीज के लिए सुब्रा मैम का नोट सफिशियंट नहीं है, ना पार्ट टू के लिए, और फिर ना कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, और ना ही आई आर के लिए। ठीक है, तो सुब्रा मैम के नोट्स को तुम पार्ट ए के लिए बिल्कुल रेफर करना, बहुत अच्छी तरह से लिखाई हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले पाँच साल में भी अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो ये नोट्स इररिलेवेंट होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सुब्रा मैम के नोट्स को ही पढ़ते रहना, बाकी कुछ भी समझ नहीं आएगा। और ये वीडियोज़ देखने के बाद ना, इन वीडियोज़ के बाद आपको नोट्स बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एक और बात, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के जो क्वेश्चन है ना, वो अब थोड़े से मतलब एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। मतलब आपसे वो वही पुराना कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पूछ रहे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। तो थोड़ी सी आपको अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन बढ़ाना होगा। मैम के नोट्स हैं, ठीक है, बेसिक के लिए बहुत अच्छे हैं, बाकी अपन धीरे धीरे देखते हैं कैसे आगे इवॉल्व करते हैं। अभी तो जो अपना कोर कॉन्सेप्ट है वहाँ पे रहते हैं। हम अब पढ़ेंगे प्लेटो के थियरी ऑफ आइडियाज को। देखो, मैंने सबसे पहले बोला था, तुम सबसे पहले ना कॉन्टेक्स्ट समझ लो किसी भी थियरी का। कोई भी स्कॉलर का कोई भी थियरी अगर समझना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट समझ लो कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में ये सारी जो चीजें हैं वो दी गई हैं। तो पहला जो है बात, बैकग्राउंड जो है इसका, वो ये है कि सर जो थियरीज ऑफ आइडिया है उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो है पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, अब पेलोपोनेशियन वॉर में क्या हुआ था कि ये दो सिटी स्टेट के बीच लड़ी गई थी। एक तो अपनी एथेंस थी, ठीक है, और दूसरी स्पार्टा थी। और 27 साल तक ये युद्ध चली, स्पार्टा थी। 27 इयर्स ये लंबा वॉर चला और इसमें हारा कौन? एथेंस वॉज डिफिटेड। अब प्लेटो के जितने भी आइडियाज आएंगे, मतलब जितने भी थियरीज आएंगे, वो इसी बैकड्रॉप में आएंगे कि व्हाई एथेंस वाज डिफीटेड, एथेंस क्यों लॉस्ट, लूज कर गया वॉर, व्हाई एथेंस लॉस्ट। ठीक है, यही आपका मेन क्वेश्चन है जिसको एड्रेस करने की कोशिश करेगा कौन? प्लेटो। तो कॉन्टेक्स्ट समझ गए कि सर दो सिटी स्टेट थी, एक थी एथेंस और एक थी स्पार्टा। एथेंस हार जाती है, स्पार्टा आपकी विक्टोरियस, मतलब विक्ट्री मिलती है किसको? स्पार्टा को, और एथेंस डिफीट हो जाती है। तो जो प्लेटो का वर्क है वो यही है कि अपन पता करें कि क्यों एथेंस हार जाती है। ठीक है, तो प्लेटो को ऐसा लगता था, अब थोड़ा सा प्लेटो के आइडियाज देखते हैं। प्लेटो को ऐसा लगता था कि जो रूलिंग क्लास थी ना, जो क्लास रूल कर रही है, जो रूलिंग क्लास है, वो हो गई है कैसी? इग्नोरेंट। और ये इग्नोरेंस की वजह से करप्शन है। इग्नोरेंस की वजह से ऑब्वियस बात है करप्शन होगा। जब करप्शन है तो जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी जस्टिस टू योर ड्यूटी है, ये आप नहीं कर पाते हो। और जब रूलिंग क्लास ही इग्नोरेंट हो जाएगी, रूलिंग क्लास ही करप्ट हो जाएगी, तो जो वो स्टेट है वो क्या होल्ड हो जाएगा? फेल्ड हो जाएगा।
अभी रिसेंट एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाता हूँ, देखने की मतलब समझने की कोशिश करना। पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान की जो पावर एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो आर्मी के रूप में हो या आईएसआई के रूप में हो या पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हो, ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशन जो है ना वो हाईली करप्ट है, ठीक है। और पाकिस्तान को फेल होने के पीछे क्या वजह है? यही वजह है कि सर इग्नोरेंट रूलिंग क्लास इग्नोरेंट है, रूलिंग क्लास में भर भर के है क्या करप्शन, ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एथेंस को, एथेंस जो हारी थी पेलोपोनेसियन वॉर में, इसी बैकग्राउंड में, इसी कॉन्टेक्स्ट में प्लेटो का थियरी ऑफ आइडियाज आता है। तो सबसे पहला चीज आपको क्या देखना है? कॉन्टेक्स्ट देखना है। दूसरी जो चीज आपको देखनी है वो है ऑब्जेक्टिव। पहला तो आपको देखना है क्या? पहला आपने कॉन्टेक्स्ट देखा। दूसरी जो चीज आपको देखनी है वो है ऑब्जेक्टिव, कि आखिर थियरी ऑफ आइडिया के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था प्लेटो का? कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो उद्देश्य ये था कि अपन एथेंस को एक आइडियल स्टेट बना दे। क्या बता दे? क्या बना दे? आइडियल स्टेट बना दे। ये ऑब्जेक्टिव के साथ प्लेटो ने अपनी बहुत सारी थियोरी दी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थियोरी ऑफ आइडिया, थियोरी ऑफ एजुकेशन, थियोरी ऑफ कम्युनिज्म, थियोरी ऑफ फिलोसोफर किंग। ये चार कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ कुछ और आइडियाज हैं, जैसे स्लेवरी, जस्टिस का कॉन्सेप्ट, वो सब पढ़ेंगे। मेन एम सारे आइडियाज का यही था कि एथेंस को अपन को क्या बताना है? आइडियल स्टेट। अब जब आपको आइडियल स्टेट बनाना है तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आइडियल होता क्या है, ठीक है। अब आइडियल स्टेट के फॉर्मेशन के पीछे आपको आइडियाज का पता होना जरूरी है। यू मस्ट हैव द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। पहले आइडिया तो होना चाहिए ना, ठीक है। आपको बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनानी है तो पहले उस बहुत खूबसूरत बिल्डिंग की आइडिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियस सा बात है। तो देखो, प्लेटो एक चीज प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि जो आइडिया है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो ग्रेटर है किससे? मैटर के साथ। आप सबने एक कहावत जो है हिंदी बेल्ट में सुनी होगी कि मुर्गी पहले आई है अंडा, ठीक है। तो आइडिया और मैटर का जो डिबेट है ना, ये अनसेटल्ड है, ठीक है। कोई कहता है आइडियाज इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है नहीं मैटर इंपॉर्टेंट है। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनके लिए मैटर इंपॉर्टेंट है, बट जो आइडियलिस्टिक लोग हैं उनके लिए आइडिया इंपॉर्टेंट है। तो अपन इस डिटेल में, इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि हमारे लिए क्या है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी को हमारा पर्सपेक्टिव नहीं जानना आइडिया और मैटर के डिबेट के बारे में। हमें बस इतना याद रखना है कि प्लेटो जो था वो कहता था आइडिया इज ग्रेटर देन मैटर, इट इज आइडिया दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैटर, ठीक है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट देख लिया, हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, तीसरा अपन देखते हैं मेथडोलॉजी। आखिर जो वो डिड्यूस कर रहा है अपनी थियरी ऑफ आइडियोलॉजी, उसने कोई तो मेथडोलॉजी यूज की होगी ना, कोई तरीका तो यूज किया होगा ना, कैलकुलस यूज किया या फिर एस्ट्रोनॉमी यूज किया, एस्ट्रोलॉजी यूज किया, क्या यूज किया? तो देखो, इसने यूज किया ना वो एक आपकी जो रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, डाइलेक्ट्रिकल जो मेथड है उसने यूज किया। सिंपल टर्म में ये वर्ड बहुत खतरनाक देखा था 6-7 साल पहले जब मैंने पढ़ा था, तो मुझे शॉक लग गया था। ये तो अपन फिजिक्स वगैरह में पढ़ते थे। खैर, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिकल का मतलब है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग कैसे चलती है, डाइलेक्ट्रिकल मेथड कैसे चलता है, उसको समझते हैं, ठीक है। उसको कैसे समझते हैं? एक तो सबसे पहले चीज होती है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर उस पर कोई आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है। अब इस आर्ग्यूमेंट को फॉलो किया जाता है काउंटर आर्ग्यूमेंट के साथ, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट जहां पे बैलेंस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कंक्लूजन कहते हैं। मतलब जो आपको एक मैं डायग्राम बता देता हूँ, आप उसको जरूर यूज करना, आपको बहुत मतलब अच्छा होता है एग्जाम में ये इस डायग्राम्स वगैरह का मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आर्गुमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं थेसिस के साथ, काउंटर आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एंटीथेसिस के साथ,
और एक जो बीच का डायरेक्शन होता है, डायमेंशन होता है, उसको क्या देते हैं, सिंथेसिस, जहां पे जो आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट जो है वो बैलेंस हो जाता है, और यही ट्रुथ है, ठीक है, यही सच होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो प्लेटो ने क्या यूज किया, प्लेटो ने डाई इलेक्ट्रिकल मेथड यूज किया, जिसमें अपन थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस को यूज करते थे। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग कहेंगे कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतर है, कई लोग कहेंगे कि नहीं सर, जो डिक्टेटरशिप है वो सबसे बेहतर है, ठीक है, बट जो कंक्लूजन होगा, जो मिडिल पॉइंट होगा, वो ये हो सकता है कि डेमोक्रेसी विथ स्ट्रॉन्ग रूलर, स्ट्रॉन्ग लीडर जो है वो एक बेहतर मिडिल पॉइंट हो सकता है। तो ये यहाँ पे थेसिस हो गया, ये यहाँ पे एंटी थेसिस हो गया, और डेमोक्रेसी विथ स्ट्रॉन्ग रूलर जो है वो आपका सिंथेसिस हो गया। ठीक है, ये आपका आर्गुमेंट हो गया, ये आपका काउंटर आर्गुमेंट हो गया, और ये आपका कंक्लूजन हो गया, राइट? तो मेथड समझ गए। एक बार फिर से चीजें को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट तो सर पेलोपोनेशियन वॉर है, जिसमें एथेंस हार जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना, और जब आइडियल स्टेट बनाना है तो हमें आइडिया होना चाहिए कि आइडियल स्टेट क्या होती है। ठीक है, हमें आईएएस बनना है तो पहले वो आइडिया तो होना चाहिए कि हाँ आईएएस होता है क्या है। ठीक है, ऐसे तो नहीं बन जाएंगे, तो आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद मेथड होना चाहिए कि हाँ हमें जाके कोचिंग लेनी है, हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें बहुत सारा पढ़ाई करना है। तो वो ऑब्जेक्टिव, वो मेथडोलॉजी आपको होनी चाहिए। तो वो मेथडोलॉजी जो प्लेटो ने एडॉप्ट किया, उस मेथडोलॉजी का नाम क्या है, डाई इलेक्ट्रिकल मेथड ना है। इसका मतलब क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग का क्या मतलब होता है कि सर एक आर्गुमेंट होता है, एक काउंटर आर्गुमेंट होता है, और दूसरा, और फिर बीच में क्या होता है, कंक्लूजन हो जाए होता है। देखो पहली क्लास है तो मैं सोच रहा हूँ ना चीजों को रिपीट कर पाऊँ, जितना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, इतनी बात अब समझ गए। अब जो आपको समझना है, अब आगे चलो कि आखिर जो प्लेटो का थियोरी ऑफ आइडिया था, ये किससे इन्फ्लुएंस था? तो ये इन्फ्लुएंस था डाई इलेक्ट्रिकल, सॉरी, ये आपका इन्फ्लुएंस थे, ये इन्फ्लुएंस थे, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस, या सोक्रेट्स कह लो, सुकरात कह लो, कुछ भी कह लो। सोक्रेटिस का एक थियोरी है, थियोरी ऑफ नॉलेज, थियरी ऑफ नॉलेज, थियरी ऑफ नॉलेज से इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे कौन, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो वॉज इन्फ्लुएंस बाय थियरी ऑफ नॉलेज। तो थोड़ा सा थियरी ऑफ नॉलेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो थियरी ऑफ नॉलेज ये कहता है कि द पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, थियरी ऑफ नॉलेज ये कहती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गुड लाइफ का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी जो बात है, आपको ये पता होना चाहिए पर्पस क्या है लाइफ का। तो सॉक्रेटिस के हिसाब से जो पर्पस है लाइफ का वो है क्या, हैप्पीनेस। अब ये थोड़ी सी फिलोसफिकल बात हो जाती है, बट ये सब समझ पाएंगे ना कि अब थियरी ऑफ नॉलेज में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, द पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ गुड लाइफ। दूसरा, हमें पर्पस ऑफ लाइफ पता होना चाहिए कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या हैप्पीनेस है। इसी में एक कोट है जिसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अनएग्जामिन्ड लाइफ का मतलब क्या है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो वो वर्थ लिविंग नहीं है, वो फालतू लाइफ है। आप कई बार देखते होंगे इस चीजों को, हम में से कई लोग जो होते हैं वो एमलेस होते हैं। ठीक है, मतलब लाइफ का पर्पस ही नहीं होता। ठीक, तो वैसी कोई भी जिंदगी अगर इंसान जी रहा है तो उस लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वर्थ नहीं है, राइट? ये बात समझ में आ गई? तो आपको बस यहाँ पे एक काम करना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में थियरी ऑफ आइडिया पूछे तो आपको ये जरूर लिखना है थियरी ऑफ नॉलेज से इंस्पायर्ड था, और ये स्टेटमेंट लिख देना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में दो ही चीज के नंबर मिलते हैं। एक तो आपको रिलेवेंट स्कॉलर कोट करने हैं, कीवर्ड पे ध्यान देना, रिलेवेंट बोला मैंने, कुछ भी नहीं डाल देना है, रिलेवेंट स्कॉलर, और दूसरे कोट्स, जो ऐसे ऐसे फ्रेजेज होते हैं ना, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे ऐसे कोट्स होते हैं ना, इन्हीं के मार्क्स मिलते हैं आपको कहाँ पे, PSIR ऑप्शनल में। तो जो प्लेटो का थियोरी ऑफ आइडिया था उसका हमने कॉन्टेक्स्ट बता दिया, ठीक
हमने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, ठीक है, हमने आपको ये मेथडोलॉजी बता दिया और ये बता दिया किससे इन्फ्लुएंस्ड थे। अब चलते हैं उसके कंटेंट पे, आखिर क्या लिखा गया था, सॉरी क्या लिखा गया था। तो थियरी जो है, थियरी ऑफ आइडिया वो जो है उसका पॉइंट आप समझ लो कि आइडिया इज ग्रेटर देन मैटर, आइडिया इज ग्रेटर देन मैटर, ठीक है। तो प्लेटो गिव प्राइमेसी ऑफ आइडिया ओवर मैटर, ठीक है। दूसरा, प्लेटो ये कहते हैं कि पीपल गिव इंपॉर्टेंस टू मैटर ओवर आइडियाज बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस वी बिलीव दैट द मैटर इज द रियालिटी, बट द ट्रूथ इज रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया, ठीक है, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, प्लेटो कहते हैं कि रियलिटी क्या है, प्लेटो कहते हैं कि जो रियलिटी है वो आइडिया है, ठीक है। अगर आप, हम या कोई भी इंसान अगर ये मानता है इट इज द मैटर दैट इज रियल, इट इज द मैटर दैट इज द रियलिटी, तो इसके पीछे जो अंडरलाइन कॉज है वो हमारा इग्नोरेंस है, मीन्स वी आर इग्नोरेंट, दैट वाई वी बिलीव दैट मैटर इज रियलिटी, बट एक्चुअल में क्या होता है, इट इज आइडिया दैट इज रियलिटी। और स्टेटमेंट क्या दिया गया, फ्रेज क्या दिया गया कि रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया, बात समझ में आई, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया। तो हमने दो कोट पढ़े, पहला तो हमने पढ़ा कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और दूसरा हमने पढ़ा रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया। तो प्लेटो का थियरी ऑफ आइडिया समझ गए। अब देखो, प्लेटो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं एलेगोरी ऑफ केव्स से, ठीक है, एलेगोरी ऑफ केव्स से वो एक्सप्लेन करते हैं। प्लेटो ये कहते हैं कि कोई भी अगर इंडिविजुअल, मान लो कि ये गुफा है, कोई भी अगर एक इंडिविजुअल अगर वो एक केव में रहता है तो उसको रियलिटी नहीं पता है, ठीक है, उसको नहीं पता है कि एक्चुअली में वर्ल्ड कैसा है। जैसे यहाँ पे अगर सन आएगा तो वहां पे क्या होगा, केव में उसकी शैडो पड़ेगी, ठीक है, शैडो पड़ेगी। ये शैडो क्या है, क्या ये शैडो रियल है, मतलब क्या ये रियलिटी है, आंसर है नहीं। इस इंसान की इग्नोरेंस की वजह से, टू बी वेरी फ्रैंक, इंसान के मूर्खता की वजह से जो ये पर्सन है, जो ये इंडिविजुअल, उसको लगेगा कि शैडो ही रियलिटी है, ठीक है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ऐसा इस पर्सन को क्यों लग रहा है, चूंकि वो एक अपने आप को पिंजड़े में बंद करके रखा है, एक केव में वो बंद है, और वो क्या है, इग्नोरेंट है, उसके पास नॉलेज नहीं है। अगर उसने थियरी ऑफ नॉलेज पढ़ी होती, अगर उसको ट्रू नॉलेज का नॉलेज होता, ये पता होता कि नहीं ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, तो इस इंसान को पता होता कि ये सच्चाई नहीं है। तो फिर प्लेटो आगे कहता है, देखो प्लेटो समझाने की कोशिश करता है कि एग्जांपल के थ्रू, उसी एग्जांपल को अपन एलोगेरी ऑफ केव में पढ़ते हैं, 10 नंबर में कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कॉमेंट करो एलोगेरी ऑफ केव पे, तो आपको यही सारी बातें लिखनी है। तो अगर इस इंडिविजुअल को आप पुश आउट करोगे दुनिया से, मतलब केव से बाहर निकालोगे, तो क्या होगा, तो फिर उसको पता चलेगा कि रियलिटी क्या था, और जो शैडो था वो क्या है, वो इल्यूजन है, कि जिसको वो रियलिटी समझ रहा था वो तो रियलिटी निकला ही नहीं, वो तो इल्यूजन निकला, बात समझ में आ रही है। और प्लेटो इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि जो ये प्रोसेस होगा, जब आप इस इंडिविजुअल को पुश करोगे अंधेरे से बाहर की दुनिया में, केव से आप उसको वर्ल्ड में ले आओगे, उसको ट्रू नॉलेज का ज्ञान जब आप उसको दोगे, तो ये बहुत पेनफुल होगा उस इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतना समझ में नहीं आया। एलोगोरी ऑफ केव क्या कहता है, कि एक इंडिविजुअल जो केव के अंदर रहता है वो शैडो को रियलिटी मानता है, बट जब आप उसको बाहर की दुनिया में पुश करोगे तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, और उस इंडिविजुअल को पता चलेगा जिस शैडो को वो रियलिटी समझता था वो एक्चुअली क्या है, इल्यूजन है। इन सब के अलावा जो कंक्लूजन है, अब उस पे समझो, प्लेटो कहता था, एक्सेप्ट कर लेना, ऑफेंड मत हो जाना, कि अगर आप एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो रूलर होना चाहिए वो होना चाहिए फिलोसोफर।
अब फिलोसोफर क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर फिलोसोफर को ही पता है ट्रू नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज क्या है। बात समझ में आ रही है? आगे जब आप पढ़ोगे ना थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग, हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखो थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वापस से आएंगी। अभी थियरी ऑफ आइडिया में आप इतना ही समझो कि ये जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा पेनफुल, और एथेंस के लोगों को भी अगर आइडियल स्टेट बनाना है तो जो जो रूलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फिलोसोफर होना चाहिए, जिसको आइडिया का नॉलेज हो। ठीक है, जो आइडिया का नॉलेज हो। बात समझ में आ रही है? अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि अगर फिलोसोफर जो है एथेंस को रूल करेगा तो एथेंस कैसा हो जाएगा? आइडियल स्टेट। और ऑब्जेक्टिव क्या था प्लेटो का? आइडियल स्टेट ही तो ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, बात समझ में आई? यही है थियरी ऑफ आइडियाज। बाकी थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इसका क्रिटिसिज्म ये आता है, इस थियरी का क्रिटिसिज्म ये है कि ये प्लेटो का व्यू पॉइंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लेटो के थियरी ऑफ आइडियाज को अल्टीमेट रियलिटी मानना, अल्टीमेट रियलिटी मानना इज फुल ऑफ बेवकूफियां। ठीक है, तो ये प्लेटो का बस ओन अंडरस्टैंडिंग है, कि प्लेटो की ओन अंडरस्टैंडिंग है, प्लेटो का ओन व्यू पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टेट को फिलोसोफर के अलावा कोई प्रैग्मेटिक रूलर यूज प्रैग्मेटिक रूलर अगर रूल कर रहा है तो वो आइडियल स्टेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो रैदर देन एक्सेप्टिंग दिस थियरी एज अल्टीमेट रियलिटी, दिस थियरी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेटोज ओन अंडरस्टैंडिंग, प्लेटोज ओन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यही क्रिटिसिज्म है। यहाँ पे कार्ल पॉपर वगैरह की जो व्यू पॉइंट आएंगी वो अपन देखेंगे। मैं एक स्कॉलर लिख दे रहा हूँ, कार्ल पॉपर, जो बैंड बजा देते हैं किसकी? प्लेटो की, कार्ल मार्क्स जैसे लोगों की। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, क्रिटिसिज्म आपको याद रखना। जो आपको थियरी ऑफ आइडिया में क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसे पूछ सकता है, एक तो आपसे पूछ सकता है 10 मार्कर में, 10 मार्कर में आपसे क्या पूछ सकता है? 10 मार्कर में आपसे पूछ सकता है कि आप एलोगोरी ऑफ केप पे कमेंट करो, एलोगोरी ऑफ केप पे कमेंट करो। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि थियरी ऑफ नॉलेज पे कमेंट करो, थियरी ऑफ नॉलेज पे कमेंट करो। और तीसरा आपसे ये पूछ सकता है कि रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया। तो बेटा यही आपसे पूछेगा, यही 3 डायमेंशन है जो इस टॉपिक से आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, तो 1.5 में देख लो, 2 में मत देखना दोबारा, या फिर अगर आपको चीज़ें और धीरे धीरे समझनी है तो 0.75 की स्पीड में इस वीडियो को पूरा आप रिवाइज कर लो। 2 से 3 बार देख लोगे, आई कैन बट ऑन दिस, दुनिया की कोई भी किताब में से प्लेटो का थियरी ऑफ आइडिया पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से 2 लाइन में कंक्लूड करा देता हूँ कि थियरी ऑफ आइडिया में हमें ये बताया गया कि आइडिया इज ग्रेटर देन मैटर, और ये कैसे बताया गया? एलोगोरी ऑफ केप्स के द्वारा। और ये बताया गया कि एथेंस को क्या बनाना है? एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक आप अपनी कॉपी पे लिखना, कॉन्टेक्स्ट लिखना, माइंड मैप बना लेना खुद से, कॉन्टेक्स्ट लिखना कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये थियरी आई थी, फिर ऑब्जेक्टिव लिखना कि ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर आप लिखना कि किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, फिर आप ये लिखना कि मेथडोलॉजी क्या यूज की थी, फिर आप ये लिखना कि जो कंटेंट है थियरी का वो क्या है, कंटेंट थियरी का लिखना, फिर उसके क्रिटिसिज्म लिखना। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट प्लेटो का थियरी ऑफ आइडिया। ठीक है, सो पहला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। बाकी ये कॉन्सेप्ट भी अपन रिलेट करते हुए चलेंगे पीछे की चीजों के साथ। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आई कैन प्रोमिस कि विद इन फ्यू डेज यू विल सी अ ग्रेट 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 प्रोग्रेस ऑन योर ऑप्शनल का जो भी डायमेंशन है, जो भी प्रिपरेशन है। ठीक है, सो दिस वॉज मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू ऑल।